नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप। मैं आप सभी से बात करूंगा आज आईपीएल 2019 के बारे में, जो कि नई दिल्ली। आईपीएल 2019 के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए कई टीमें अपने खिलाड़ियों की अदला बदली कर रही हैं। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को दिल्ली रेड डेविल्स ने सनराइजर्स से अपनी टीम में ट्रेड किया है। इसके बदले में घरेलू क्रिकेट में खेलने वाले अभिषेक शर्मा, विजय शंकर और शाहबाज नादिम को सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है। इसके अलावा क्विंटन डीकॉक को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। इसके अलावा मुंबई इंडियंस ने बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्ताफिजुर रहमान और श्रीलंका के अकेला धनंजय को अपनी टीम से रिलीज कर दिया है। आप सभी जानते हैं, विश्व कप 2019 को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुस्ताफिजुर रहमान को अगला आईपीएल खेलने से रोक दिया है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मार्कस स्टोनिस को किंग्स एक्साई पंजाब से खरीदा है और बदले में उन्हें मनदीप सिंह ट्रेड किया है। इन दिग्गजों को रिलीज कर सकती हैं टीमें। आईपीएल 2018 में दिल्ली से गौतम गंभीर की कप्तानी छीन ली गई थी, इसके बाद उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। इस बार दिल्ली की टीम गंभीर को रिलीज कर सकती है। बात करें युवराज सिंह की, तो आईपीएल 2018 और उससे पहले भी युवराज का प्रदर्शन खराब रहा है, पंजाब की टीम उन्हें रिलीज कर सकती है। इसके अलावा कायरान पोलार्ड, ब्रेंडन मैकुलम और मनीष पांडे जैसे सितारों को भी उनकी टीमें रिलीज कर सकती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो